देखकर अच्छा लगता है कि उन्हें पसंद आ रहा है। शो देखें, आके एंजॉय करें, खुश रहें, हेल्दी रहें। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं थैंक यू ताली बजा रही थी ना, कुछ नौकर में एंजॉय भी कर रही थी साथ साथ में। खुश रहो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, हमारा शो देखो और एंजॉय करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं दोनों के साथ ही क्लोज हूँ, ये पापा के साथ मिलके मम्मा को तंग करती हूँ। एजुकेशन भी हमारी जा रही है, कैट शो करती हूँ मैं, कैट्स को ट्रेन करती हूँ, साइकिलिंग करती हूँ, बाईसाइकिल मेरा बाईसाइकिल जारी है। कोशिश करते हैं कि न्यू से न्यू एक्ट हम मुतारफ कराएं सर्कस में, उनकी कदर करते हैं, बस इसी तरह हमारा साथ देते रहे। बी हैप्पी, बी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल पे बहुत सारी दुआओं के साथ। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आपने बहुत से जो आर्टिस्ट हैं लकी रानी सर्कस के, उनके जो इंटरव्यू देखे हैं, लेकिन आज थोड़ा इंटरव्यू मुनफरद होने जा रहा है। मेहमान फनकारा के साथ हम इंटरव्यू करेंगे, मेहमान फैमिली है लकी रानी सर्कस की, और मेरे साथ मौजूद हैं मलिक नवीद साहब और उनकी फैमिली। वन बाय वन इनसे बात करेंगे और से ये भी जानेंगे कि लकी रानी सर्कस में कब से काम कर रहे हैं और कौन कौन सा एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। लकी रानी सर्कस में आने वाले लोगों के लिए ये सबसे फेवरेट रहते हैं, क्योंकि ये बहुत डेंजरस और बहुत टैलेंटेड एक्ट परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फैमिली के ऑनर से, मलिक नवीद साहब से। जी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि अली भाई की ज़ुबानी आपने थोड़ा सा तारुफ मेरा सुन लिया होगा, मेरा नाम नवीद है। जब से ये लकी रानी सर्कस वजूद में आई है, तब से मैं इसी सर्कस के साथ वाबस्ता हूँ। ये मेरी छोटी सी क्यूट सी फैमिली है, हम मुख्तलिफ एक्ट करते हैं लकी रानी सर्कस में। अच्छा लगा मेनू किरदार, जिसमें बहुत से आ जाते हैं एक्ट, स्टेट वायर है, सिल्क ट्रपीस है, रिंग ट्रपीस है, फ्लाइंग ट्रपीस है, बेल ट्रपीस है। इसके अलावा भी एनिमल्स जो हैं उनको भी हम ट्रेन करते हैं। और हमें ये भी बताते चलें कि फैमिली में कौन कौन है और सभी के सभी आर्टिस्ट हैं, एक्ट परफॉर्म करते हैं, ये भी जरा थोड़ा बताइएगा। ये 1971 में लकी रानी सर्कस वजूद में आया, तब से हमारी फैमिली सर्कस के साथ मुंसलिक है। पहले हमारे और भी बड़े थे, अब जो है मेरी ये फैमिली जो जिसमें मेरी ये बेगम है, ये यूक्रेन से इनका ताल्लुक है, तो अल्लाह पाक ने हमारा रिश्ता जोड़ा, हमारी शादी यहीं पे हुई पाकिस्तान में। अब ये मुस्तकिल पाकिस्तान में है, लकी रानी सर्कस में हम परफॉर्म कर रहे हैं। फिर ये मेरी दो बेटियाँ हैं, बड़ी बेटी का नाम है फिज़ा, छोटी का नाम है नताशा, और एक बेटा है मेरा माशाल्लाह, ये अपना स्पाइडरमैन का बड़ा ज़बरदस्त एक्ट पेश करता है ये। और फिर उसके साथ इनकी एजुकेशन भी यहाँ पर जारी है माशाल्लाह, अभी दोनों बेटियों ने मैट्रिक का बड़ा अच्छा इम्तिहान दिया है, बड़े अच्छे नंबरों से पास हुई हैं, और बेटा भी मेरा 6th क्लास में पढ़ रहा है। सर्कस के तकरीबन जो हैं अलिफ से लेके ये तक, ए से लेके जेड तक, वो तकरीबन सारे एक्ट्स हमने किए हुए हैं। तो आपने जिक्र किया तो चलो हम पूछ लेते हैं आपसे, तो ये जो हमारी भाभी हैं यूक्रेन से हैं, तो ये रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा बताइएगा कि कैसी रिलेशनशिप बनी। ये ऐसे बनी कि इसका भी जो क्रेडिट जो है लकी रानी सर्कस को जाता है, क्योंकि हम यहीं पे हमारी फैमिली, मेरी फैमिली परफॉर्म करते थे हम। इनका भी ग्रुप जो यूक्रेन से ये पाकिस्तान में आया, जो हमारे बिग बॉस थे वो लेके आए इनको। बस वो कहते हैं ना, रिश्ते जो है अल्लाह ताला अर्श पे लिखता है, तो यूक्रेन किधर पाकिस्तान किधर, अल्लाह ताला ने ये सिलसिला बनाया, लव मैरिज हो गई, फिर यहीं पर सिलसिला आ गया। बच्चों को भी यही जाहिर है, माँ बाप ये करते थे, उनकी तरफ देख देख के बच्चों को भी ये शौक़ पैदा हुआ, तो फिर माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत टैलेंट है। हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे टैलेंट की इतनी कदर नहीं है। ये लकी रानी सर्कस की बदौलत जो है हमारा जो टैलेंट है, वो हम बड़े से बड़े शहर में जाके, छोटे से छोटे गाँव में जाके हम दिखाते हैं, तो बड़ी खुशी महसूस होती है जब ऑडियंस क्लैप्स करती है हमारी परफॉर्मेंस देख के, तो बड़ी खुशी होती है। हमें ये भी बताते चलें, आपकी जो वाइफ है यूक्रेन से हैं, तो वो कौन कौन से एक्ट परफॉर्म करती हैं, आप उनके साथ कौन कौन से एक्ट परफॉर्म करते हैं। ये जस्ट अभी तकरीबन 5 मिनट के बाद हमारा एक्ट आने वाला है, रोप रिवॉल्विंग उसे कहते हैं, एक रोप होता है रस्सा जिसे कहते हैं, उसके साथ इसका एक्ट होता है मेरे साथ। और इसके अलावा रिंग ट्रपीस करती हैं, फिर स्ट्रेट वायर करती हैं, अभी ये एक ऐसा आइटम करती हैं, तकरीबन 18-20 साल से वो ये कर रही हैं वाहिद, नहीं तो डुप्लीकेट जिसे कहते हैं, नेमो बदल, दूसरा एक आइटम करने वाले दो दो तीन तीन बंदे भी होते हैं, लेकिन वाहिद इसका ये एक एक्ट ऐसा है जो शोल्डर बैलेंस के साथ ये सिंगल व्हील साइकिल वायर पे चलाती हैं, वो
पाकिस्तान में इसके अलावा कोई भी नहीं करता। पी भाभी से बात करते हैं और बड़ी मजे वाली टॉकिंग होगी इनकी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक है। अच्छा थोड़ा अपने बारे बताइएगा, जब आप यूक्रेन से पाकिस्तान बाद आपने क्या सोचा था कि मैं पाकिस्तान में ही शादी कर लूंगी, इस बारे में जरा बताइएगा। जरा नहीं, कभी सोचा नहीं थी ना बस, लेकिन इधर आके थे ना अच्छा लगा था, नवीद मिला था ना तो बस अच्छा लगा था, तो ये सोच लेते सारा ज़िंदगी, फिर इधर ही कोशिश करेगी थी गुजारना, एक अपना अच्छा फैमिली बनाएंगे थे ना, इधर ही काम करेगी। जो पाकिस्तानी लैंग्वेज है वो कितनी देर में सीख ली और कौन कौन से एक्ट स्टार्टिंग में ये परफॉर्म करते रही हैं? बस पाकिस्तान लैंग्वेज थोड़ा सा सीख लिया था, फिर आगे जो कब बच्चे बड़े हो गए से वो सीख रही थी, मैं भी उनके साथ साथ सीख रही थी ना। तो स्टार्टिंग में कौन कौन से एक्ट आप परफॉर्म कर रहे थे? स्टार्टिंग के चार लड़की थी, जिमनास्टिक का एक करते थे ना, टेबल के ऊपर थी ना वो बना के थी ना, बड़ा अच्छा आइटम थे, एक्रोबेटिक वाले आइटम करते। और पाकिस्तान में 20-25 साल का अरसा वो कैसे गुजारा? और बड़ा अच्छा गुजारा था ना। इस फैमिली के सबसे क्यूट से और टैलेंटेड बच्चे से फैजान से, जो कि स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर है, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। तो आप जरा हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 11 इयर्स। आप कौन कौन से लकी रानी सर्कस में एक्ट परफॉर्म करते हैं? मैं रिमनी कंट्रोल एक्ट परफॉर्म करता हूँ, स्टेट वाइड परफॉर्म करता हूँ और भी मुख्तलिफ एक्ट परफॉर्म करता हूँ। और सबसे टैलेंटेड बच्चे है ये, और अपना जो फेवरेट एक्ट है वो भी बताते चलिए। मेरा फेवरेट एक्ट ये है रिमनी कंट्रोल। और इसको करते हुए आपको कितनी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी है? प्रैक्टिस की वही, जैसे मेरी सिस्टर ने कहा कि प्रैक्टिस अगर आपको छुट्टी मिल जाए तो अच्छी रहती है, मम्मा पापा ने मुझे सिखाया इसलिए आप भी उनकी तरह मेरे को भी जल्दी आ गया। कब से आप लकी रानी सर्कस में काम कर रहे हो या परफॉर्म कर रहे हैं? 3-4 ईयर्स। ऑडियंस की तरफ से जब आप परफॉर्म करते हैं क्यों रिस्पॉन्स मिलता है? और इतनी छोटी सी एज में इतने डेंजरस एक्ट कर रहे हैं, कभी डर नहीं लगा? डर स्टार्टिंग में लगता है लेकिन एक फिर हमारी आदत बन जाती है, फिर डर आस्ता आस्ता निकल जाता है। तो इन एक्ट को करते हुए कभी मिस्टेक हुई हो? इसके अलावा भी कुछ सीखेंगे या जस्ट इतना ही बस? वायर वाला प्रैक्टिस कर रहा हूं अभी फिलहाल, इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको वायर वाले एक्ट में भी दिखूंगा। और अपनी लाइफ में कुछ ख्वाहिश हो करने की वो भी बताते चले हमारी ऑडियंस को। मेरा ड्रीम ये है कि मेरे को कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। तो क्या आपको लगता है कि सर्कस के साथ साथ आप ये कर पाओगे? जी इंशाल्लाह मैं कर लूंगा। और हमें ये भी बताते चले कि आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मैं 6th क्लास में हूं फिलहाल, मैथ्स। तो सर्कस का जो एक्ट है वो भी, सर्कस की लाइफ भी, इन तमाम चीजों को लेके आप अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करते हैं? बस मैनेज हो जाता है, जब टाइम मिलता है तब स्टडी करते हैं, वरना शुरू नहीं करते। अभी बात करते हैं मलक नवीद साहब की, जो डॉक्टर हैं, बहुत टैलेंटेड डॉक्टर हैं इनकी, इनके जो एक्ट हैं मेरे फेवरेट एक्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक। मेरी ऑडियंस को अपना नाम बताते चले। मेरा नाम फिजा है। लकी रानी सर्कस में कौन कौन से आप एक्ट परफॉर्म करती हैं? मैं काफ़ी एक्ट परफॉर्म करती हूँ, इस वक्त मैं 4 एक्ट करती हूँ, उसमें से एक सिंगल ट्रपीस, हुला हुप्स एंड सिल्क ट्रपीस एंड वो स्टेट वाइज। ये कितनी देर से आप ये एक्ट परफॉर्म कर रही हैं? ये चाइल्डहुड, बचपन से। तो कभी ऐसा हुआ कोई मिस्टेक हो गई हो या कोई करते कोई प्रॉब्लम आती हो या इसको करते कितनी देर आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस की है? ये आप पे है कि आपने कितना इतने करना है, मुझे यानी कि कुछ लोग हैं जिन्हें सालों लग जाते हैं, अब मेरे कोच ही ऐसे थे तो मुझे बस महीना भी नहीं लगा और मैंने ये सीख लिया। ऑडियंस की तरफ से आपको क्या रिस्पांस दिया जाता है? नहीं, ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, कदर करते हैं वो टैलेंट की। और बेस्ट सिटी इस्लामाबाद मुझे जो पर्सनली पसंद है, फैसलाबाद और लाहौर।
अच्छा ये भी बताते चले, आपका जो पापा फेवरेट है या मामा फेवरेट है? दोनों ही फेवरेट हैं। नहीं, मैं दोनों के साथ ही क्लोज हूँ। ये पापा के साथ मिलके मामा को तंग करती हूँ। और अगर सर्कस की लाइफ के साथ साथ बात करें कि अपनी अपनी एजुकेशन की, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। नहीं, एजुकेशन भी हमारी जारी है, हम सर्कस का काम भी करते हैं साथ, अपनी स्टडी भी हम लोग ऑन रखते हैं और आगे भी इंशाल्लाह और भी रखेंगे। और अभी मलक नवीस साहब की जो छोटी डॉटर है उनसे बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ। मेरा नाम नताशा है। लकी रानी सर्कस में कौन कौन से एक्ट आप परफॉर्म कर रही हैं इस वक्त? मैं वैसे मल्टीपल एक्ट्स करती हूँ, इस वक्त मैं चार ही कर रही हूँ। कैट शो करती हूँ, मैं कैट्स को ट्रेन करती हूँ, साइकिलिंग करती हूँ, बाईसाइकिल, एरियल नेट और हुला हुप्स। सबसे जो अपना फेवरेट एक्ट है वो कौन सा है? मेरा बाईसाइकिल। बाईसाइकिल है, इसको करते हुए कितनी देर होगी आपको? 9 ईयर्स हो गए। ठीक हुई हो ये, इसको करते हुए कितनी देर लगी हो आपको सीखने में? बस ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मम्मा पापा ने ट्रेन किया तो वो समझाते रहे थे जैसे जैसे, तो जल्दी ट्रेन हो गई थी, बस मिस्टेक हो जाती है समटाइम। और अभी कुछ नए जो एक्ट हैं उनको करने की कोशिश या प्रैक्टिस जारी है कि बस जो कर रहे हैं बस वही कर रहे हैं? नहीं नहीं, जारी है, कोशिश करते हैं कि न्यू से न्यू एक्ट हम मुतारफ कराएं सर्कस में। लोगों की तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, वो लाइक करते हैं एक्ट जिससे हम परफॉर्म करते हैं, वो इतने उस पर इंजॉयमेंट करती है, खुश होती है, तो देखकर अच्छा लगता है कि उन्हें पसंद आ रहा है। पर अभी स्पेशली वजीराबाद में आपको लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत लाइक कर रहे हैं। और लास्ट पे कुछ मैसेज देना चाहें मेरी ऑडियंस को तो आप दे सकती हैं? हमारे शो देखें, आके इंजॉय करें, खुश रहें, हेल्दी रहें। मैं ये कहें, सबसे पहले थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप हमें इतना अप्रिशिएट करते हैं, हमारी टैलेंट की कदर करते हैं, बस इसी तरह हमारा साथ देते रहें और बी हैप्पी बी पॉजिटिव। लास्ट पे आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि हमेशा काइंड रहे, कभी भी झूठ ना बोला करे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ काइंड रहा करे। आर्टिस्ट छोटा है लेकिन बात बहुत बड़ी कर दी है माशाल्लाह, मुझे खुशी हुई है बात सुन के। माशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, तो अल्लाह पाक आपको ऐसे सलामत रखे, मजीद अल्लाह पाक आपको इज्जतें दे, हमारी दुआ है, हमारे फेवरेट भी आप। थैंक यू। और अभी मलक साहब से लास्ट पे बात करेंगे और जाना चाहें क्योंकि इनका एक्ट है उसका भी टाइम होने जा रहा है। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि लकी रानी सर्कस हमारा जो पाकिस्तान का वाहिद ऐसा इदारा है जो बड़े से बड़े शहर और छोटे से छोटे गाँव में इंटरटेन करता है। आएँ यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ को लेके आएँ, यहाँ पे फैमिलीज़ का अलहदा इंतज़ाम होता है, पाके हमारा शो देखें, इंजॉय करें। आप जब शो देखते हो इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, और हमें जो है हमारा इनाम भी मिल जाता है, उसमें सब कुछ हमें मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच जी। भाभी कुछ कहना चाहें तो आप कह सकती हैं। बस मैं ये कहना जा रही थी ना, खुश रहो, एक दूसरे से मुहब्बत करो, हमारा शो देखो और इंजॉय करो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो स्पेशली मलक नवीस साहब का शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती टाइम में हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी। मेरी एक ख्वाहिश थी आपको, ये भी आपको बताता चलूं, तमाम जो आर्टिस्ट हैं उनका मैंने इंटरव्यू किया, काफ़ी दफ़ा मेरा लकी रानी सर्कस में विज़िट हुआ है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि यूक्रेन की जो फैमिली है इनसे मैं बात करूं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मेरी बात नहीं थी हो पा रही। तो स्पेशली मलक साहब आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने आके हमारा इंटरव्यू किया और हमारी लाइफ के बारे में पूछा और हमें बता के भी बड़ी खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। ये आपकी मोहब्बत है तमाम आर्टिस्टों की, के आपकी मोहब्बत हमें बार बार आपके पास खींच लाती है, तो बहुत शुक्रिया जी। स्पेशली हमें खुशी होती है जब आप हमें मोहब्बत देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। आपने भी ये वीडियो इंजॉय की होगी। तो खैर आज के व्लॉग को, आज की ये छोटी सी वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।